पेट्रोल के दाम को लेकर कांग्रेसी सड़क से सदन तक बवाल मचा रहे हैं। देश की जनता को बरगलाने के लिए अलग अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार के पिछले 7 साल के दौरान पेट्रोल की कीमत में भारी कमी आई है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल की कीमत को लेकर पिछले 50 साल के जो आंकड़े दिए हैं, उससे कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। 2014 से 2022 तक पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान 7 साल में पेट्रोल के दाम में 36% बढ़ोतरी हुई है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2007 से 2014 तक 60% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 2000 से 2007 तक 70% की बढ़ोतरी, 1993 से 2000 तक 55% तक की बढ़ोतरी, 1986 से 1993 तक 125% की बढ़ोतरी, 1979 से 1986 तक 122% का इजाफा देखने को मिला था। तो वहीं बात करें 1973 से 1979 तक की, तो इस दौरान 140% का इजाफा हुआ। मतलब साफ है, पिछले 7 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में सबसे कम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। जो लोग आज पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोस रहे हैं, उन्हें इन आंकड़ों पर जरूर गौर करना चाहिए। पिछले 5 दशक तक के तेल के इस खेल को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस देश के लिए कौन बेहतर है।